एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ बैक एक्सरसाइज ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट्स। ध्यान से देखिएगा इन पहले 5 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको बताना है कि उन 4 रीडिंग्स में से उसकी रीडिंग होगी तो होगी कौन सी। सो मेरे को पता चल गया कि वो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो बेस है। सो जब लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो बेस होता है, जब लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो एसिड होता है, तो बेस है ये। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पीएच पेपर की रीडिंग कितनी होती है। पीएच पेपर की रीडिंग होती है 1 से 14 तक, जिसमें पहले 6 नंबर्स एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, 7वां नंबर न्यूट्रल चीज को रिप्रेजेंट करता है और 8 से 14 नंबर बेसिस को। मतलब ये तो पता चल गया कि लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ है तो वो बेस है, अगर रेड में कन्वर्ट हुआ होता तो एसिड होता, ब्लू में कन्वर्ट हुआ बेस है तो बेस की रीडिंग 8 से 14 के बीच में होती है। सो ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, सो ये 10 आ रहा है 8 से 14 के बीच में, तो ये बेस है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रश्ड एग शेल्स, वो अंडों का छिलका नहीं होता, उसके साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, अंडों के छिलके के साथ एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, वो कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है आपको ये बताना है। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया HCl, उन्होंने पूछा अंडों के छिलके के साथ, अंडों के छिलकों का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अंडों के छिलके के साथ एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रोडक्ट रिलीज होता है उसमें से एक प्रोडक्ट लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करने वाला चीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज है, जब हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मतलब मेरे को इतना पता था एग्शेल, एग्शेल का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा CaCO3। तो अब आपको 4-5 ऑप्शन दिए है, तो उसमें से जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये CO2 लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है, और मेरी ऑप्शन क्या है, HCl, यानी जब अंडों के छिलके HCl के साथ रिएक्ट करेंगे एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगी। थर्ड क्वेश्चन तो और भी बच्चों वाला है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे को 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करना है तो हमारे को 8 ml HCl चाहिए। 10 ml NaOH को न्यूट्रल बनाने के लिए 8 ml HCl चाहिए, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ml ये HCl चाहिए। तो अगर 10 को 8 चाहिए तो 20 को कितना चाहिए, 16। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, सो आप ऑप्शन में टिक कर देंगे 16 ml। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहे हैं कि 4 आपको ऑप्शन दी हुई है, तो उसमें से वो कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से किन दवाई, किस चीज को हम इनडाइजेशन, मतलब बदहजमी, जब पेट में जो प्रॉब्लम होती है वो किस दवाई को हम यूज करते हैं, उसका नाम है एंट एसिड्स। जब पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो हम एंट एसिड्स लेते हैं, तो वो एंट एसिड्स की एग्जाम्पल होगी इनो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। सो इन्हें एंटासिड्स कहते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपने रिएक्शंस लिखनी है, आपको बोला सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है किंग ऑफ केमिकल H2SO4, वो ZN के साथ रिएक्ट कर रहा है ZnSO4 प्लस H2, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, मैग्नीशियम Mg, रिएक्ट करके MgCl2 प्लस H2 बन गया। फिर थर्ड पार्ट में सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी रिएक्शन होगी Al2SO4 बनेगा, H2SO4 जब Al से रिएक्ट करेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2 बनेगा। ये रिएक्शंस तो या तो जिसको लॉजिक्स के साथ वो बच्चा कर सकता है जिसने 9th में पढ़ा हुआ है कि Al2SO4 ही बनेगा, SO4 होल थ्राइस बनेगा, नहीं तो नहीं समझ सकता। उसके लिए अगर आपको ये नहीं पता कि यही क्यों बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस ही क्यों बनेगा, उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको इस चीज की वीडियो आ जाएगी। सो जिसको तो ये चीज पता है तो उसके लिए रिएक्शन इजी है।
फिर उसके बाद 6HCl प्लस 2Fe, आपको फोर्थ पार्ट में बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन की लिंक रिएक्ट कर रही है, तो वो उससे क्या बनेगा मेरे पास FeCl3 प्लस 3H2। ये मैंने कोई लर्न नहीं करी हुई लॉजिक्स के साथ करी है। वो लॉजिक ये है कि अगर आपको ये चीज नाइन्थ में आपने अच्छे से करी होगी कि FeCl3 ही होगा, मतलब Fe2Cl, ऐसे कुछ ऐसे मनगढ़ंत नहीं होगा कि फिक्स है, और ये फिक्स एक फॉर्मूला से करा जाता है। उसके लिए अगर आपको नहीं पता तो मेरे को बोल दीजिएगा, आपको वीडियो सेंड हो जाएगी। सो ये हमारी रिएक्शंस। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ करना, वो भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, लास्ट ऑप्शन ये बचती है। दैट्स इट।